एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपावल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास सिक्स मैथ्स का मेंसुरेशन चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर 10.1। इसका हमने क्वेश्चन 9 नंबर तक ऑलमोस्ट डन कर लिया था। आई होप सबको 9 नंबर तक क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं 10th नंबर क्वेश्चन की, जो कि आपके पेज नंबर 213 पे दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागॉन। यहाँ पे ये क्या बोला, सबसे पहला बात हमें नोटिस करने वाली, रेगुलर पेंटागॉन इज 100 सेंटीमीटर, यानी कि एक रेगुलर पेंटागॉन है जो 100 सेंटीमीटर का है। यानी कि यहाँ पे हमें पेंटागॉन का पैरामीटर निकाल के दे दिया गया है। हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड, मतलब कि उसका एक एक साइड कितना लॉन्ग है कि पूरा पैरामीटर 100 सेंटीमीटर आया। पेंटागॉन क्या होता है, 5-sided रेगुलर शेप है, तो हमें क्या करना है, रेगुलर शेप पर बनाना है, बिल्कुल इक्वल शेप होना चाहिए। ये हो गया आपका पेंटागॉन। तो क्या बोल रहा है कि ईच साइड, एक एक साइड का हमें पेरीमीटर बताना, लेंथ बताना है, सॉरी पेरीमीटर तो हमें बता दिया 100 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर इसका लेंथ निकालेंगे, साइड निकालेंगे, लेंथ। तो पहले हम पेरीमीटर लिख लेंगे, पेरीमीटर तो हमें दे रखा है, तो पेरीमीटर इज कितना था, 100 सेंटीमीटर था, ठीक है। अब क्या है, साइड ऑफ द पेंटागॉन, इच साइड ऑफ द पेंटागॉन लिख लीजिए, इच साइड ऑफ द पेंटागॉन पता नहीं है तो क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। उसके बाद पेंटागॉन साइड ऑफ पेरीमीटर कितना दिया हुआ है इसका, पेंटागॉन हमें पता है कि 5-sided होता है, 1, 2, 3, 4, 5 5-sided होता है। तो अब क्या बोल रहा है, पेंटागॉन ऑफ पेरीमीटर, तो हम यहाँ पे पेरीमीटर हमें पता, तो हम यहाँ पे पेरीमीटर लिख ले रहे हैं। इसका पेरीमीटर कितना था, 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप 100 सेंटीमीटर लिख लीजिए। और क्या करना था, इसका फॉर्मूला क्या था, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, कितने साइड है, 5-sided का है, तो हम लिखेंगे 5 × लेंथ ऑफ 1-sided, यही इसका फॉर्मूला है पेरीमीटर निकालने का सबसे सिंपल तरीका। रेक्टेंगुलर का भी हमें था कि 2 × लेंथ + ब्रेथ था, और रेगुलर शेप का क्या था कि जितना आपका शेप दिया है उस शेप से आप एक साइड को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पे पेरीमीटर तो दे रखा था, अब हमें क्या करना है, एक साइड का लेंथ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप कर दीजिए 5 × ? ऐसे कर दीजिए, कोई नहीं, आप ब्रैकेट बना के छोड़ दीजिए कि क्या होगा। अगर यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे ब्रैकेट दे रखा है, तो हमें यह पता करना है कि यहाँ पे कौन सा अंक लिखेंगे जिससे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सेंटीमीटर आएगा। तो ये थोड़ा आपके लिए क्या हो सकता है, टफ हो सकता है। अगर लंबा अंक दे देगा तो आपको प्रॉब्लम होगा करने में, टेबल कितना लंबा पड़ोगे, अगर आपको कभी 2212 का टेबल दे तो आप उसमें कंफ्यूज होते रहोगे। तो इसके लिए भी एक आसान सा तरीका, वैसे तो हमें पता है कि अगर हम इसका जहाँ 100 सेंटीमीटर 5 के टेबल में 20 टाइम में 100 आ जाता है, हम जिसे पता है वो तुरंत बता देगा, लेकिन जिसे नहीं पता उनके लिए कन्फ्यूजन होगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है, जितना साइड आपका दिया है और जो पेरीमीटर है, आप क्या करो, 100/5 करो, यानी कि जो आपका पेरीमीटर है उसको आप जितना आपका शेप का जो लेंथ, शेप का जो साइड है, उस साइड से आप उसको डिवाइड कर दो। तो शेप का साइड कितना है, 5 है, और पेरीमीटर आपका 100 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 100/5 करेंगे, यानी 5 से हम 100 का डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करिए, 5 के टेबल में 10 कितने टाइम आता है, 2 टाइम्स में आता है, 2 10 हो गया, ये 0 यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ गया 20। जिसे पता है वो तो डायरेक्ट लिख सकता है, लेकिन अगर जिसे नहीं पता उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या करें, जो आपका पेरीमीटर है उससे आप साइड्स से डिवाइड कर दीजिए। तो 100 से हमने इसका डिवाइड किया तो आया हमारा 20 सेंटीमीटर, आंसर निकल गया हमारा। यानी कि जो पेंटागॉन है उसका एक एक साइड कितना कितने सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर का है। ये हो गया आपका आंसर।
सॉल्यूशन क्वेश्चन जो हमारा वो सॉल्व हो चुका है। क्या था एक बार और देख लीजिए, पेंटागॉन साइड ऑफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर था 100 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है, जो साइड है उससे एक साइड का मल्टीप्लिकेशन करना है 5 × लेंथ ऑफ वन साइड जो हमने किया था। अब देख लीजिए, अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा, 20 किया, तो 20 से आप 5 का मल्टीप्लाई करिए, आपका आया 100 सेंटीमीटर। अब इसी चीज़ को अगर आप 20 + 20 + 20 + 20 + 20 करो, 1, 2, 3, 4, 5 बार हमने कर दिया। अब इसको आप जोड़ोगे भी अगर जैसे हम पहले कर रहे थे तो भी आपका क्या आएगा, 100 ही आएगा। 0, 2, 2, 4, 2, 8 के ज़्यादा हो गया, 2 + 4 + 6 + 2, 8 and 10 100 हो गया, आ गया आपका 100 सेंटीमीटर। हमने जिधर जैसे भी किया चारों तरफ से इसका जो पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर निकल, यानी कि आपका जो सवाल का जो ये आंसर निकला है वो राइट है। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के, तब तक के लिए वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।